powered by Dijiana Fresh. Crazy Cricket. नमस्कार, डीजीएनए फ्रेश प्रेजेंट्स क्रेजी क्रिकेट यानी हमारे इस खास शो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आईपीएल में आज सुपर संडे है क्योंकि आज दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं, लेकिन सभी की निगाहें आपसे कुछ ही देर बाद जो मैच शुरू होगा उस पर है क्योंकि ये मुकाबला है धोनी के धुरंधरों का विराट सेना से, यानी आज सीएसके वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ये पहला मुकाबला। और उसके ठीक बाद मैच है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। इन दोनों ही मुकाबलों पर हमारे एक्सपर्ट क्या कहते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं परिचय करवा देता हूं हमारे एक्सपर्ट से। तो सुखदेव सिंह गुम्मन सर हमारे साथ मौजूद हैं, इंडो डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और लगातार क्रिकेट से जुड़े दिलचस्प पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ राजेश मुदलियार सर मौजूद हैं, पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं और क्रिकेट की ए से लेकर जेड तक की उन्हें पूरी जानकारी होती है, तो निश्चित तौर पर इस शो में उनकी उपस्थिति हमें क्रिकेट के खास पहलुओं से अवगत कराएगी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इन दोनों महामुकाबलों पर चर्चा करें उससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि कल जो मैच खेला गया था केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने एक तरीके से पलटवार करते हुए जीत हासिल की है, तो उस पर हम एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आखिर केकेआर जैसी मजबूत टीम क्यों राजस्थान के रणबांकुरों के आगे ढेर हो गई। सर क्या कहेंगे? देखिए, यही क्रिकेट का स्वरूप है, अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। हम पेपर पे कोई टीम कैसी स्ट्रांग देखते हैं और किसी को वीक वैल्यूएट करते हैं, और गिवन डे के ऊपर कोई भी टीम किसी को पलटी दे सकती है, मार सकती है, पछाड़ सकती है। ऐसा ही कल हुआ। राजस्थान रॉयल की डिप्लीटेड टीम, जिसमें तीन इंटरनेशनल मेन प्लेयर उनके इंजर्ड होने के कारण से नहीं खेल पा रहे हैं, बेन स्टोक्स, लिविंगस्टोन और आर्चर, जॉफर आर्चर, और उसके बाद में भी जो टीम उनके पास बची है, बहुत इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उस टीम की चल रही थी। हम बार बार ये कह रहे थे कि दो फॉरेन प्लेयर के बिना बाकी इंडियन बैट्समैन कोई भी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और कल हमने टॉस से पहले भी कहा था कि वानखेड़े के स्टेडियम में शाम के मैच में टॉस बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो भी टीम टॉस जीतती है वो कंडीशन का बेस्ट यूज करने के लिए दूसरी टीम को पहले बैटिंग कराती है, अपने बॉलर्स से पहले बॉलिंग कराती है, क्योंकि वानखेड़े में ड्यू फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आप सेकेंड टाइम बॉलिंग करते हैं 10 ओवर के बाद में लगभग बॉल गीली हो जाती है, और गीली बॉल को होल्ड करके बैटिंग करना, बॉलिंग करना, और इस बैटिंग स्पोर्टेड विकेट के ऊपर बॉलर्स के लिए तो ग्रेवयार्ड है। हम लोग हमेशा वानखेड़े से ये एक्सपेक्ट करते आए हैं कि 220-221 रन बनेंगे, कल बिल्कुल उल्टा दिन था। विकेट बॉलर्स को थोड़ी सपोर्टिव थी और रिमार्केबल परफॉर्मेंस रहा राजस्थान रॉयल के बॉलर्स का। क्रिस मॉरिस ने 4 विकेट लिए, उनको सपोर्ट भी जो बाकी बॉलर्स थे, मुस्तफ़ा रहमान जो हैं बांग्लादेश के बॉलर हैं, उन लोगों ने उसने विकेट लिया है, चेतन सकारिया ने एक विकेट लिया, तो जो स्पोर्ट बॉलिंग थी उन्होंने भी अपना अच्छा बढ़िया काम करते हुए बहुत ही मीगर टोटल 133 रन बना पाए केकेआर। और इन द एंड संजू सैमसन और डेविड मिलर ने ये इंश्योर किया कि एटलीस्ट वो ये मैच जीत कर अंक तालिका में आगे बढ़ सके। सर आप क्या मानते हैं कि जिस तरह से केकेआर अगर कागज पर देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स से मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन कल जिस तरह का एक लचर प्रदर्शन किया, अब इस टीम के लिए कितनी ज्यादा मुश्किल अंक तालिका में दिखाई दे रही? सबसे बड़ी मुश्किल तो केकेआर के लिए ये है कि उनको पिछले 2 सीजन से कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिल रहा है। तो इसके पहले दिनेश कार्तिक कैप्टन थे, लेकिन वो भी टीम को एक सूत्र में जो है ढाल नहीं पाए। उसके बाद बीच में टूर्नामेंट में यान मोर्गन को लेके आए, लेकिन अभी ये देखने में आ रहा है कि जो है टीम एक सब एक इंडिविजुअल जो है अपना खेल खेलने टीम के रूप में टीम परफॉर्म करने में जो है असफल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यान मोर्गन जो है खुद बल्लेबाजी से असफल रहे, कल वो अनलकीली जो है रन आउट हो गए, लेकिन फिर भी जो है टीम का कॉम्बिनेशन और उनका जो कोच का जो काम है वो ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है एक दूसरे को मैसेज जो है कन्वे नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप है। क्योंकि एक आपका शाकिब उल हसन जैसा जो है मैच विनर टीम से बाहर बैठा है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेयर को उनका रोल जो है कप्तान और कोच समझा नहीं पा रहे, इसके कारण ये डाउनफॉल दिख रहा है। सर राजस्थान के लिए वैसे ठीक रहा कल के मुकाबले के बाद, एक उम्मीद जागी है कि अब यहाँ से कुछ बेहतर किया जा सकता है टूर्नामेंट में, क्योंकि अब तक प्रदर्शन भी राजस्थान रॉयल्स का कोई बहुत ज्यादा खास नहीं था, लेकिन कल की जीत कितनी मायने रखेगी इस टीम के लिए? डेफिनेटली कोई भी जीत किसी भी टीम के लिए मायने रखती है, और कल के मैच में अगर हम बात करेंगे तो केकेआर ने जिस तरह की बल्लेबाजी करी, 25 रन पे एक विकेट हुआ था उनका जब पावर प्ले ओवर्स खत्म हुए। पावर प्ले ओवर्स हम ऐसा समझते हैं कि
क्योंकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप उठाकर मार सकते हैं, नई गेंद है। इस टूर्नामेंट का सबसे लो स्कोर है 25 रन 6 ओवरों में एक विकेट गंवाने के बाद में, और 10 ओवरों में वही उन लोगों ने 55 रन बनाए 3 विकेट गंवाने के बाद में। जब आप इस तरह के स्कोर 6 ओवर और 10 ओवर में करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टीम जो है 130 140 पे जाके सिमट जाती है, क्योंकि लास्ट 10 ओवर में अगर अपन बात करें तो हम इनका भी बोलूं इन्होंने लगभग 78 रन बनाए, तो आप 80 100 120 रन बना सकते हैं जो इस तरह की विकेट के ऊपर जो है, जहां हम सोच रहे हैं या जैसे मैचेस हमने सारे अभी तक मां देखे हैं कि 200 के आसपास 200 से ऊपर रन बने हो, वहां आप अगर 133 रन बनाएंगे तो किसी भी टीम के लिए जो चेजिंग टीम है उसके लिए इजी टारगेट होता है। 133 में आपको सिंगल सिंगल्स खेलने हैं और कोई एक आध ओवर भी आपने अगर मार दिया तो बहुत इजीली आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। वैसा ही कल राजस्थान रॉयल ने किया और बहुत इजीली मैच जीत लिया। और अब जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हां जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तरह से जो है कोच संजू सैमसन को जो है ये कम्युनिकेट करने में सफल रहे कि आपका विकेट कितना इम्पोर्टेंट है, और आप एक ऐसे स्ट्रोक प्लेयर हैं कि आप किसी भी मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, तो अपना विकेट फेंक कर मत जाइए। राजस्थान रॉयल ने ये मैच जरूर जीता लेकिन अभी भी जो है उनको इस मैच से जो एक गेन करना चाहिए था, अभी भी ऐसा लग रहा है कि शिवम दुबे जैसा बल्लेबाज इस विकेट पर जो है शिवम दुबे को मैच फिनिश करके आना था। एक ऐसा टैलेंटेड बैट्समैन है लेकिन अगर आप ऐसे अवसर खोदोगे तो फिर आपको मौके कहाँ मिलेंगे। तो ये दुविधा जरूर है लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल राजस्थान रॉयल्स ने एक जीत के साथ अपना मनोबल बढ़ाया है, और अब आने वाले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स अपने इस लय को किस तरीके से आगे बढ़ाती है ये भी देखना बहुत खास रहेगा। और अब बात कर लेते हैं सुपर संडे के पहले मुकाबले के लिए, क्योंकि ये एक तरीके का महामुकाबला है। बात की जाए विराट कोहली और धोनी की टीम की तो इन दोनों ही टीम के मध्य अब तक 27 मुकाबले हुए हैं जिसमें 17 मैचेस धोनी की टीम ने जीते हैं। यानी रिकॉर्ड पर यदि गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पर भारी दिखाई देती है। 9 मुकाबले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीते हैं जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। तो यहां निगाहें होगी क्योंकि अब तक जो ये टूर्नामेंट रहा है इन दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छा रहा है, एक अच्छा सफर अब तक इन टीमों ने गुजारा है। 4-4 मुकाबले दोनों टीमों के हुए हैं। आरसीबी अजय रथ लेकर चल रही है तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स पहला मुकाबला हारने के बाद अब तक अपने 3 मुकाबले जीत चुकी है। तो दोनों ही टीम के हौसले बुलंद है और यही वजह है कि आज बल्ले और गेंद के बीच शानदार और एक बहुत ही अद्भुत संघर्ष देखने को मिल सकता है। सर कैप्टन कूल वर्सेस एग्रेसिव कैप्टन ये मुकाबला आज रहेगा। बिल्कुल ठीक बात है, आप फायर वर्सेस आइस बोल सकते हैं। एक बिल्कुल बिल्कुल शांत इंसान भारतीय क्रिकेट टीम का पूर्व कप्तान और एक बहुत अग्रेसिव कप्तान जो वर्तमान कप्तान है। दो कप्तान जिन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, दोनों के बीच में ये मैच है, दोनों के क्रिकेटर का ये मैच है, दोनों डिस्टेंस पर्सनैलिटीज हैं, एक बहुत शांत है तो एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। और उसके बाद में अगर बाकी देखें तो बहुत सारी चीज सिमिलर इसमें है। इस टूर्नामेंट की इनफॉर्म दोनों टीम जो है उनके बीच में मैच है। उसके बाद में अगर हम सीएसके की बात करें तो उन्होंने पहला मैच हारने के बाद में 3 मैच लगातार जीते, चौथा मैच जीतना चाह रहे हैं। अगर हम आरसीबी की बात करें तो लगातार 4 मैच जीत चुके हैं, 5वां जीतना चाहेंगे। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो किसी भी आईपीएल टीम ने अपने पहले 5 मैच 2015 से लेके आईपीएल में अभी तक नहीं जीते हैं। कप्तान विराट कोहली के दिमाग में ये आंकड़ा होगा और आज वो ये मैच जीत के 5वीं स्ट्रेट विन के साथ में एक नया रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से आज अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करना चाहेंगे। टीम कॉम्पोजिशन पे अगर हम जाएं तो एक टीम ऐसी है सीएसके की कि जो बहुत लंबी बैटिंग करती है। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो विराट कोहली के पास इतने एग्रेसिव बैट्समैन हैं और सारे इनफॉर्म बैट्समैन हैं। बॉलर्स की बात करेंगे तो दोनों टीम के जो बॉलर्स हैं वो इस टूर्नामेंट से पहले किसी ने उनको इतना हाई रेट नहीं किया था, वो अपने वेट से हैवी वेट्स को पंच कर रहे हैं जाकर। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो आज दर्शकों के लिए क्रिकेट जो है एक अचंबा लेकर आया है। मैच से पहले ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कभी भी किसी जो हार्ड डाई हार्ड फैन फॉलोअर्स होते हैं टीम के उनको सोचने, क्योंकि उनका तो टीम भगवान होती है, वो चाहते हैं कि सबसे टॉप पे हमारी टीम रहे, उनके बिना शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आरसीबी और सीएसके जो हैं ये 2 वीक होने के बाद में पहले और दूसरे पायदान पे होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और आज डेफिनेटली एक सुपर संडे हमारे लिए जाने वाला है।
सर मैं तो अभी तक इस मैच को देखने के लिए उत्साहित था, लेकिन आपने जो बातें बताई है उस सब मेरा उत्साह अति उत्साह में तब्दील हो गया है। इंतजार अब थोड़ा भारी पड़ सकता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश तो हम लोगों ने थोड़ा पहले कर ही लिया है। राजेश सर, देखा जाए तो यहाँ पर विराट कोहली ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम में कई चीजें जो है वो सीखी है, कप्तानी के गुण विराट कोहली से, माफ कीजिएगा महेंद्र धोनी से, तो दोनों के बीच एक अलग ही तरह की अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ किस तरीके से नया रंग दिखाएगी ये दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आज आमने सामने दोनों का अपना एक स्टाइल है, दोनों एक दूसरे का स्टाइल समझते हैं, स्ट्रेटेजी समझते हैं। लेकिन आरसीबी के साथ मजबूती यह है कि उनके सभी जो है प्लेयर क्लिक कर रहे हैं, उनके पास ऐसा इंडिविजुअल है कि वो अकेले ही जो मैच को बदल सकते हैं। उनके पास बॉलिंग लाइनअप भी बड़ा स्ट्रांग है, काइले जेमिनसन है, उनके पास रिचर्डसन है, उनके पास फिर अपने सरफराज हैं जो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास आपका ऑफ स्पिनर जो है वाशिंगटन सुंदर हैं, तो टीम जो है बहुत मजबूत टीम दिख रही है पेपर पे। दूसरी तरफ जो है अगर चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग भी जो है एक टीम की तरह खेल रही है, हर मैच में जो है नया जो है मैच विनर निकल के आ रहा है। पिछले मैच में फाफ डुप्लेसिस ने जो है आखिरी तक मैच को ले जाके और ख़त्म किया था। किसी मैच में जो है रविंद्र जडेजा जो है अपनी फील्डिंग और बॉलिंग के कारण जो है उन्होंने मैच को, आपको देखना होगा कि जो है ड्वेन ब्रावो जो है समय अच्छे फॉर्म में है, यार्कर और उनके स्लोअर मन बड़ी इफेक्टिव हो रही है, और बस थोड़ा सा एक कमजोर वाला पक्ष जो दिख रहा है वो इनकंसिस्टेंसी जो है आपकी शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग में दिख रही है। और मोइन अली के आने से ये जो है टीम बहुत मजबूत हो गई है, और सुरेश रैना भी एक ब्रिलियंट जो है लेफ्टी हैं, तो वो भी मैच पलटने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद आपके जो लेफ्टी जो इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर हैं वो भी बहुत जो है जबरदस्त फॉर्म में, सैम करन, और वो जो है अनप्रेडिक्टेबल, उनकी हाइट कम है लेकिन बीच बीच में अनप्रेडिक्टेबल जो है बॉल डालते हैं, वो शॉर्ट बॉल भी बाउंसर भी डाल देते हैं, वो यार्कर भी बहुत अच्छे डाल देते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है अपना प्लान एग्जीक्यूट करने में सफल रहे तो बहुत ही जोरदार मैच होगा, और इसका इंतजार जो इस तरह के मैचेस जो हैं वो यंग किड्स जो है, हम कितने बेचैन हैं तो यंग किड्स कितने बेचैन होंगे, और इस तरह के मैचेस जो है हमारे देश में नए जो स्टार पैदा करते हैं, तो डेफिनेटली इस मैच को देखने के लिए सभी लोग अधीर हैं और हम भी इंतजार करेंगे कि कितनी जल्दी ये मैच चालू। वैसे यहाँ एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि अगर धोनी अपनी सूझबूझ और चतुराई के लिए जाने जाते हैं तो इस बार उनके सामने का जो बल्लेबाजी का क्रम है विराट सेना का, वो भी किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ विराट कोहली इनफॉर्म बल्लेबाज, पिछले मैच में शानदार इनिंग के बल पर उन्होंने बता दिया, साथ ही साथ देवदत्त पटिगल किस तरह की पार्टनरशिप हुई थी, सबसे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग लाइनअप यहाँ पर हम आरसीबी का देख सकते हैं, और उसके बाद में जो बल्लेबाज आते हैं ग्लेन मैक्सवेल एबीडी, कितना मुश्किल है सर यहाँ धोनी के लिए। किसी भी बॉलर के लिए ये पर्टिकुलर बैटिंग लाइनअप जो है बहुत स्ट्रांग है और अपने आप में ये टीम मैच विनर है। कोई भी एक बल्लेबाज, पिछले मैच में हमने देखा कि 10 विकेट से उन्होंने हराया, 181 रन बनाए बिना विकेट के लॉस किए हुए, पडिकल ने अपना मेडन सेंचुरी बनाया, कप्तान कोहली ने 72 रन बनाए, लास्ट इससे पहले तीन मैचेस में अगर हम देखें तो ग्लेन मैक्सवेल ने तीनों मैचों में अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से टीम को जिताया, एबीडी एक मैच को छोड़ दिया जाए तो दो मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, विकेट कीपर तो बहुत अच्छे हैं ही, और अपनी टीम को समय समय के ऊपर वैल्यूएबल टिप्स देना, उनसे बेस्ट एक्सेप्ट करना। जब हम बॉलिंग की बात करें तो सिराज को अगर हम देखें तो लास्ट दो सीरीज के बाद में वो अपने आप में एक चैंपियन बॉलर की तरफ उभरे हैं। पिछले मैच में जो उन्होंने यॉर्कर्स मारे, जो बॉलिंग करी, जो स्विंग बॉलिंग करी, राजस्थान रॉयल के दोनों फॉरेन प्लेयर जो इन फॉर्म थे दोनों को आउट किया, और वहीं हम हर्षल पटेल की बात करें तो दिल्ली की तरफ से खेलते थे, खेलने का मौका नहीं मिलता था, यहाँ देखिए तो डेथ ओवर में एक मैच मुझे लास्ट चार मैच में याद है जिसमें उनको रन पड़े हैं, पर उनके बाद भी उन्होंने 3 विकेट लिए, 45 रन देने के बाद भी 3 विकेट लिए। तो इस समय हर मैच में हर्षल पटेल ने 3 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट लिए हैं, और यही कारण है कि जो कॉम्बिनेशन बॉलिंग कॉम्बिनेशन आरसीबी का है वो विकेट ले रहा है, जो बैट्समैन है वो अपने चरम पे हैं, सब लोग इनफॉर्म हैं, सब बैट्समैन ने रन किए हैं जितने भी अभी खेल रहे हैं, वॉशिंगटन सुंदर से एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस की आरसीबी को उम्मीद होगी कि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने कुछ बहुत कुछ अभी सीरीज में नहीं किया है, मुझे लगता है आज दिन है उनके लिए भी, वो भी कुछ करके दिखाएंगे। तो आरसीबी जो है वो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में ऑन पेपर्स ऑन फॉर्म बेटर लग रही है धोनी की टीम से। और आज एक और फायदा है, देखिए आज डे गेम है मुंबई में, वानखेड़े में जो ड्यू का एडवांटेज मिलता है टॉस जीतने वाले को, वो यहां पे आज एडवांटेज नहीं होगा। डेफिनेटली
फिर भी क्योंकि जो विकेट आपको बैटिंग को सपोर्ट करती है, बैटिंग पैराडाइज है, उसके ऊपर कोई भी कप्तान दूसरी टीम को पहले बैटिंग कराना चाहेगा ताकि उसको पता हो कि स्कोर कितना है और उनको अपनी टीम को जो जब वो उसको चेज करेंगे तो वो टीम कैसे प्लेस होगी, ज्यादा रन बनेंगे तो किस तरह से अपने आप को खेलेंगे, कम रन बनेंगे तो वो उस टीम को अपने अपने बैट्समैन को उस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं और उस टीम वो रन बना सकते हैं और उस मैच को जीत सकते हैं। टॉस का फिर भी महत्व रहेगा, टॉस का महत्व रहेगा। वैसे अभी तक जितने भी मैचेस इस पूरे टूर्नामेंट में खेले गए हैं टॉस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे सीएसके के लिए पिछला जो सीजन था आईपीएल का वो बहुत ज्यादा बुरा रहा था और इस डेडीज टीम पर सवाल उठने लगे थे कि अब टीम में कुछ यंग खिलाड़ियों की जरूरत है तभी कहीं ना कहीं ये टीम आगे जा सकती है। लेकिन एक बार फिर धोनी जैसे कप्तान ने इसी टीम के साथ खेलते हुए सीजन की शुरुआत नए सिरे से की और अपने प्रदर्शन के बल पर तमाम आलोचकों को जवाब दिया है। लेकिन इस टीम की ताकत बनकर उभरे हैं मोइन खान और सुरेश रैना, जिन्हें कहीं ना कहीं जरूरत थी बदलाव की। उस बदलाव के बाद इतना परिवर्तन आ गया ये हमने नहीं सोचा था। सर आज के इस मैच में अगर एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल है, एबीडी, विराट कोहली, तो यहाँ निगाहें होगी इन दोनों खिलाड़ियों पर, सुरेश रैना और उसके साथ साथ मोइन खान। डेफिनेटली मोइन खान और सुरेश रैना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबाटी राइडू भी जो है बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। धोनी जो है मैच को की कंडीशन को बहुत जल्दी रीड करते हैं तो ये जो है महेंद्र सिंह धोनी के फेवर में जाता है। और ये अप्रैल का महीना है, 2 अप्रैल 2011 को जो है इसी मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक 96 की इनिंग खेल के इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था और आखिरी छक्का आखिरी बॉल पे यादगार छक्का मारा था तो वो स्वर्णिम जो है दिन उनके दिमाग में होगा। और हम भी सोचना है कि बहुत दिन से हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ नहीं किया है तो वानखेड़े स्टेडियम से जो है आज हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ की उम्मीद है। राजेश भाई एक चीज़ और, अंबाटी रेडू भी जो मुंबई से खेलते थे वो इस विकेट से भी परिचित हैं, भली भांति परिचित है कि विकेट कैसा खेलता है। हालांकि वो उस टूर्नामेंट अभी तक रन नहीं कर पाए हैं पर हम उम्मीद करते हैं कि आज वो अपने होम टाउन के ऊपर, अपनी विकेट टर्फ के ऊपर जिसपे वो खेलते रहे हैं, आज वो भी सीएसके के कंट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आरसीबी के तमाम बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं, देवदत्त पड्डीकल ने जिस तरीके से पिछले मुकाबले में एक शतक जमाया तो ये भी धोनी के जहन में होगा। लेकिन यहाँ विराट कोहली की जो मजबूत बल्लेबाजी का क्रम है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई बन सकता है तो वो है दीपक चाहर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर सबसे सफल गेंदबाज इस टीम के लिए साबित हुए हैं, वो कितनी बड़ी यहाँ पर एक परीक्षा रहेगी आरसीबी के बल्लेबाजों के लिए दीपक चाहर का फॉर्म में होना। देखिए वानखड़े की जो पिच है वो पहले 5 ओवर 6 ओवर जो है जब बॉल हार्ड होती है नहीं होती है तो बॉल हिलती है, स्विंग होती है। और दीपक चाहर ने पिछले 2 मैचेस में 4-4 विकेट लेके, 2 इनिंग में उन्होंने 4-4 विकेट लिए, ये दिखा दिया कि वो स्विंग बॉलिंग जो है बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो दोनों इनिंग में, फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में अगर हम उठा के सारे मैचेस में देखेंगे तो पहले 5 ओवर 6 ओवर में बॉल मूवमेंट होने के कारण से बैट्समैन के बल्लेबाजी मुश्किल होती है। ये फैक्ट दोनों कप्तान भलीभांति जानते हैं। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सीएसके के जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर चुके हैं पहले कि अगर वानखेड़े की विकेट पे आप टॉस जीत हारते हैं और पहले खेलते हैं या आप चेज कर रहे हैं तो पहले 6 ओवर जो है आपको बहुत सोच समझ कर खेलना है, विकेट नहीं गंवाना है, बेशक थोड़े कम रन बनाए बट ये विकेट ऐसा है कि में आपको मौका देते हैं, आप उसके ऊपर रन बना के उसको कवर कर सकते हैं। तो दोनों कप्तान ये स्ट्रेटेजी समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं, मुझे लगता है कि दोनों ही उसी हिसाब से खेलेंगे। और पहले 6 ओवर में हमें ये देखना होगा कि कौन सी टीम भारी होती है, जो भारी होगी डेफिनेटली उसका एडवांटेज रहेगा। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद 2 बड़ी टीमों के बाद मुकाबला शुरू होने वाला है और एक उम्मीद इसलिए क्योंकि सपाट विकेट है, ज्यादा रन बनेंगे तो और ज्यादा क्रिकेट का रोमांच हमारे सामने होगा। और अब बात आज के दूसरे मुकाबले की कर लेते हैं, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद का सफर अभी तक मायूसी भरा रहा है जबकि दिल्ली कैपिटल्स अपने लय में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से पिछले सीजन में दिल्ली एक युवा टीम के बल पर एक नई ताकत बनकर उभरी थी वो अभी भी प्रदर्शन जारी है। हालांकि ऋषभ पंत की कप्तानी थोड़ी सी अनुभवहीन दिखाई दी है लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि जैसे जैसे मैच दर मैच ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के अनुभव में भी यहाँ बढ़ोतरी होगी। सर क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक हम एमएच चित्तामन स्टेडियम चेन्नई की बात करेंगे तो ये इस आईपीएल सीजन का लास्ट मैच होगा, यहाँ पर इस पड़ाव का ये लास्ट मैच है, इसके बाद टीम्स जो है दिल्ली जाएंगे। और इस पर्टिकुलर समय के बीच में हमने देखा कि
नौ मैचेस अभी सीजन में हुए हैं, उन नौ मैच में से एवरेज बैटिंग जो स्कोर है वहां पे 154 रन है, और अगर हम ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो यहां पे जो एवरेज बैटिंग स्कोर है फर्स्ट वो लगभग 164 रन है। तो कहीं ना कहीं ये स्लो एंड स्लगिश विकेट का है, यहां का नेचर जो है विकेट का स्लो एंड स्लगिश है। दोनों टीमें भली भांति से ये जानती हैं, कहीं ना कहीं अगर हम कहें कि सनराइजर हैदराबाद के लिए ये विकेट शुभ बिल्कुल भी नहीं रहा है। आप सात मैच खेले हैं, एक मैच लास्ट वाला आपने जीता और छह मैच आप हार चुके हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एक इनफॉर्म टीम है इस वक्त, पिछले बार के आईपीएल से जो उन्होंने परफॉर्मेंस किया था फाइनल में वो मुंबई से हारे थे, उसी परफॉर्मेंस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उनकी फ्रेंचाइजी ने उनके लिए और अच्छा काम किया है कि स्टीवन स्मिथ जैसे प्लेयर को खरीद लिया जो एक इंटरनेशनल बैट्समैन तो है ही है, कैप्टन भी है, और उसके साथ साथ में अपनी टीम के अपने बच्चों अपने बाकी प्लेयर्स को अपने आसपास घुमाकर बैटिंग करा कर अपनी टीम के स्कोर को एक उस लेवल पर ले जाते हैं जो एक कॉम्पिटिटिव स्कोर होता है। बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली के पास जिस तरह की बॉलिंग है, हमारे मध्य प्रदेश के ही आवेश खान जो है वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हम सब मैच दर मैच उसको देख रहे हैं। बैंड स्ट्रेंथ की बात करें अभी तो एनरिच नोकिया वो अभी नहीं खेले हैं इस मैच में, आज मुझे लगता है कि दिल्ली उनको ड्राफ्ट करेगी, और वो अपने आप में जो स्पीड निकाल रहे हैं और वो जिस इकोनॉमी के साथ बॉलिंग कर आए हैं अभी साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान की सीरीज में, वो अपने आप में दिल्ली को एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहेगा। एक फायदा दिल्ली के लिए और है कि उनके जो अक्षर प्लेयर पटेल ऑलराउंडर हैं वो भी कोविड के बाद में ठीक हो गया, वापस तीन चार दिन से ज्वाइन कर चुके हैं। होपफुली मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट आज भी अगर वो फुल्ली रिकवर हो चुके तो आज अक्षर पटेल को भी खिला सकते हैं। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद के लिए, जबकि उन्होंने पिछले मैच में एक विनिंग कॉम्बिनेशन वापस लाया है, केन विलियमसन को वो वापस लेकर आए हैं, उनके खेलने से हमने एक डिफेंस देखा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी इनिंग प्लान करी और इजीली अपना मैच जीता, बट फिर भी आज ये मैच जो है एक स्लगिश विकेट के ऊपर है। दोनों टीमों में से जो अपना तालमेल इस स्लगिश विकेट के ऊपर बनाएगा वो एज ए विनर रहेगा और वो टॉप पे रहेगा। सर आपने तो सनराइजर हैदराबाद को डरा दिया बुरी तरीके से, क्योंकि पहले से ये टीम थोड़ी डरी हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर मध्य क्रम की बात करें तो लड़खड़ाती हुई दिखाई दी है टीम। पिछले मैच में जरूर जीत हासिल की थी, केन विलियमसन मौजूद थे, उस टीम का हिस्सा थे, लेकिन एक बार फिर ये साबित हो गया था कि यदि ये टीम के ओपनर बल्लेबाज यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तभी इस टीम से जीत की उम्मीद की जा सकती है, ये एक समस्या हमने यहाँ पर देखी। और दूसरी तरफ बात की जाए दिल्ली कैपिटल्स की तो पृथ्वी शॉ शानदार अपनी जवाबदारी का निर्वहन कर रहे हैं ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर, शिखर धवन सबसे ज्यादा रन टूर्नामेंट में बनाए हैं, ऋषभ पंत यहाँ फॉर्म में नहीं है लेकिन एक मजबूत बल्लेबाज के तौर पर भी जाने जाते हैं, मार्कस टॉइनिस एक शानदार ऑलराउंडर जब जरूरत होती है अपनी खूबी के तौर पर हमारे सामने होते हैं, एक अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो ये टीम पूरी तरीके से पैक दिखाई देती है, जबकि दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद जो लगातार संघर्ष कर रही है और यही वजह की कागज पर सर कमजोर दिखाई दे रही है। सनराइजर हैदराबाद जो है कागज पर भी कमजोर दिखाई दे रही है और पिछले मैचेस में तो मैदान पर भी कमजोर दिखाई दी। सबसे बड़ा जो है ड्रॉबैक ये है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जो कि स्लो विकेट पे खेलने के आदी होते हैं। तो आप देखेंगे नंबर 1, 2, 3 उसमें जो है डेविड वार्नर, बेरिस्टो और केन विलियमसन, ये तीन बल्लेबाज आ रहे हैं, तो हमारे जो है लोकल क्रिकेटर जो है वो परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे हैं, तो बल्लेबाजी उनकी मिडिल ऑर्डर में जो है बहुत ससेप्टेबल है और जो उसके कारण जो है टीम मात खा रही है। अभी टीम में कोई इंडिविजुअल अच्छे हैं, राशिद खान है जो कि राइट आर्म लेग स्पिनर बहुत अच्छे डाल रहा है और उनको रीड करना बहुत सभी के लिए बहुत मुश्किल जा रहा है। तो और वहीं आप अगर दिल्ली में देखेंगे तो आपने पिछले मैच में देखा होगा कि हम बात कर रहे थे कि रिकी पोंटिंग क्या करने वाले हैं और किसी ने नहीं सोचा होगा, रोहित शर्मा ने भी नहीं सोचा होगा, और पहला ओवर लेकर जो स्टोइनिस आ गए जो कि हम सोच रहे थे कि वो बॉलिंग करेंगे ही नहीं, लेकिन स्टोइनिस आ गए और उन्होंने तीन ओवर फेंक दिए और 13 रन दिए। तो रिकी पोंटिंग जो है अपने जादुई टोपी में से कौन सा पत्ता फेंकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रही बात बैटिंग की तो शिखर धवन पूरे फॉर्म में है, आपके स्टीवन स्मिथ के आने से भी बहुत बल्लेबाजी बहुत मजबूत हुई है, और आप देखेंगे कि अमित मिश्रा ने भी इस विकेट पे जो है 4 विकेट लिए हैं, उनको भी समझ में आ गया इस विकेट पे किस तरह की बॉल डालना है। रवि अश्विन का भी अभी बेस्ट परफॉर्मेंस अभी बाकी है, और अभी जैसे कि सुखी भाई ने बताया कि अक्षर पटेल आ गए तो अक्षर पटेल भी जो है इस तरह के मैचेस के लिए इस तरह के विकेट के लिए बहुत ही डेंजरस बॉलर हैं, एक बहुत ही डेंजरस इंड्यूजर हैं। तो इस हिसाब से जो दिख रहा है कि
दिल्ली का पलड़ा भारी दिख रहा है, पर एक थोड़ी सी मुझे कमजोरी इसमें ये नज़र आ रही है कि पृथ्वी शाह जो है वो बल्लेबाजी में अभी उनका जो है कंसिस्टेंसी नहीं है, और वो हार्ड हैंड से बॉल को खेलना पसंद करते हैं, और वो बहुत अच्छा दिखता है अगर कोई हार्ड हैंड से बल्लेबाज बॉल को खेलता है, लेकिन इस विकेट पर जो है बॉल को हल्के हाथ से भी ड्रॉप करके सिंगल और डबल लेना भी आना चाहिए। तो इस तरह की से जो है इनिंग बिल्ड होती है। तो देखते हैं इस मैच में हैदराबाद तो जो है अभी डाउन दिख ही रही है। डाउन तो है, लेकिन चेन्नई का जो विकेट है ये कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट अगर यहाँ पर खेला जाए तो टीम के लिए मजबूत कड़ी साबित हो सकते हैं, और यही वजह कि दो खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा नजर है, एक तरफ स्टीवन स्मिथ और दूसरी तरफ केन विलियमसन, क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी क्षमतावान हैं और परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने के तौर पर बतौर शानदार बल्लेबाज जाने जाते हैं। सर ये मुकाबला देखना पड़ेगा, एक तरफ न्यूजीलैंड के कप्तान रह चुके हैं, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, और दोनों ही इस विकेट के महारथी कहे जा सकते हैं। बिल्कुल, और जगह तक हम अगर उनका बैटिंग का स्टाइल भी देखेंगे तो लगभग सिमिलर है, दोनों ही जो है वो सिंगल्स टूज और बाउंड्रीज में विश्वास करते हैं, वो बाउंड्री बीच बीच में मारते हैं बट वो स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं जिससे पता नहीं चलता और रन कितने बनाते हैं, और बनाते बनाते वो साथ में अपनी टीम को दोनों ही एक एक एंड इंटैक्ट रखते हैं। एक बल्लेबाज अगर 10 ओवर एक तरफ टिक जाता है तो 20 ओवर में से 10 ओवर ही आपको खेलने और 9 विकेट आपके पास में है, उस पर्टिकुलर टीम के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सनराइजर हैदराबाद की तो उनके लिए थोड़े से और कंसर्न के वो स्केयर्स हैं कि एक तो टी नटराजन उनके जो डेथ ओवर बॉलर थे वो रूल आउट हो चुके हैं ग्रोइन इंजरी के कारण से, ऑस्ट्रेलिया में उनको इंजरी हुई थी, सॉरी नी इंजरी के कारण से वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और वो अभी वापस से एग्रीवेट हो गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। पिछले मैच में अगर हम देखें तो जो उनके एस बॉलर हैं सबसे अच्छे बॉलर हैं भुवनेश्वर कुमार, और वो पिछले मैच में ग्रोइन इंजरी के कारण से 3 ओवर करके ही अपने 4th ओवर भी नहीं कर पाए थे। ये देखना होगा कि क्या वो फुल्ली फिट हैं और आज के मैच में खेल रहे हैं क्या। अभी तो, सर खबर ये आई थी इस विषय में तो आपको सॉरी टोकूंगा कि वो फिट हैं और संभवतः टीम के लिए खेलेंगे। तो देखिए अगर वो नहीं खेलते हैं तो एक बहुत बड़ा ब्लो है ये कि देखिए जब भी अगर किसी बॉलर को निगल होता है और वो आपके बैक ऑफ माइंड ये रहता है कि मैं इंजर्ड हूँ, आप अपना बेस्ट कभी नहीं दे सकते हैं। बॉलिंग में आपकी जो फिजिक है जो फिटनेस है वो काम में आती है, अगर वो आप प्रॉपर फिट नहीं है तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, थोड़ा बहुत भी अगर वो निगल रही होगी क्योंकि पिछला मैच हुए ज्यादा दिन अभी नहीं हुए, 2 दिन पहले की बात है, और 2 दिन में इंजरी रिकवर करना अपने आप में एक मिराकल है, होता है तो ये सनराइजर हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक इतना बड़ा प्लेयर जो मिस आउट होने वाला था वो अच्छा आपके लिए खेल सकता है ताकि आपको आप उस अपनी टीम को स्ट्रेंथ दे सको। हम किसी भी कॉम्बिनेशन की बात करें 9 मैचेस में हमने सिर्फ एक चीज देखी है कि यहाँ पर 150-160 रन जो है वो विनिंग टोटल है। आपके कप्तान को आपके थिंक टैंक को ये प्लान करना है कि हमको 150-160 रन कैसे बनाना है, आपके दिमाग में ये कतई नहीं होना चाहिए कि मुझे 200 रन बनाना है। 200 रन एक बार 204 रन आरसीबी ने जरूर बनाए एक विकेट के ऊपर, पर वो थोड़ा सा डिफरेंट विकेट था, बैटिंग विकेट था जिसमें सनराइजर हैदराबाद ने भी लगभग 175-178 रन उसी मैच में बना लिए थे। तो एक सिंपल रेसिपी है, वंस एंड टूज लीजिए, कभी कभी बाउंड्री के लिए ढूंढिए, आप वो करेंगे तो आराम से 150-160 पे बन जाएंगे, जो सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी वो डेफिनेटली अंडर प्रेशर रहेगी और आप वो मैच जीत सकते हैं। और टॉस यहाँ सिक्का उछलने के बाद सीएसके के पक्ष में गया है और यहाँ कप्तान धोनी ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, टॉस को आप महत्वपूर्ण बता रहे थे सर, दोनों से ही मेरा सवाल है, आपसे शुरू करता हूँ सर, क्या डिसीजन चतुर कप्तान का चतुराई भरा? नहीं देखिए वो स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन है, मैं तो बोलूंगा कि लोमड़ी जैसे चतुर कप्तान है, बट फिर भी जहां तक मैं इस विकेट को अभी तक पढ़ा हूं, हम देख रहे हैं यहां से एनालिसिस में जो कर रहे हैं, तो एक अच्छी बैटिंग लाइनअप अगर आपके पास में है तो आपको टारगेट पता होना चाहिए चेज करने के लिए अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर, और आपने खुद बैटिंग करके वो जो आपको एडवांटेज मिला था वो आपने ऑपोजिशन को पास कर दिया है। एक वो टीम जो एक बैटिंग लाइनअप में बहुत स्ट्रांग हो उसको आप पहले खिलाकर प्रेशर में ला सकते हैं कि आप कम स्कोर बने, क्योंकि आपको टारगेट नहीं पता है, जब आपको टारगेट नहीं पता अगर एक दो विकेट गिरती हैं तो आप वो स्कोर बहुत कम नीचे बनेगा, और जब आपको टारगेट पता है और सेकंड बैटिंग विकेट 2020 में इसलिए भी बैटिंग ज़्यादा एडवांटेजेस रहती है कि जो टीम ने एक ने खेल लिया है आपकी टीम को वो अनुभव होता है कि ये विकेट कैसा खेल रहा है, उस विकेट के ऊपर बॉल आ रही है बैट के ऊपर रुक कर आ रही है, स्पिन हो रही है, क्या हो रहा है, कितने रन हम बना सकते हैं, शुरू के कितने ओवर में क्या प्रॉब्लम थी, ये दूसरे कप्तान को सीखने को मिलता है उससे। और आपने एक टॉस जीत के, मैं समझता हूं टॉस जीत के आपको बॉलिंग करना चाहिए था जो आपने नहीं करा, और
दूसरे को ये एडवांटेज पास किया है, मुझे लगता है कि ये धोनी का निर्णय जो है थोड़ा गलत है मेरे हिसाब से। सर सहमत हैं आप टॉस जीत के बल्लेबाजी के फैसले से? एक्चुअली उसमें जो है कि विकेट को उन्होंने रीड किया होगा, यहाँ से तो हम विकेट की कंडीशन नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि विकेट पर अगर उन्होंने ग्रास छोड़ी होगी हल्की सी, जैसा लग रहा है कि जो है नवदीप सैनी को उन्होंने टीम में लेकर आए हैं आरसीबी ने, वो उससे ये समझ में आ रहा है कि धोनी ये जा रहे हैं कि वो जो है एक बड़ा स्कोर डाल के और जो है आरसीबी को अंडर प्रेशर करें। अब इसके पीछे जो है उनकी क्या स्ट्रेटेजी है वो मैच आगे चलता है उससे पता पड़ेगा कि उनका निर्णय कितना सही है कितना गलत है, लेकिन यकीनन उनके दिमाग में ये होगा कि एक स्कोर डाल के एक बड़ा स्कोर करके वो आरसीबी को अंडर प्रेशर करें। अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे एक्सपर्ट की फेवरेट टीम कौन सी है सर, सीएसके या आरसीबी? मैं तो जो विनिंग स्टिक पे टीम है और प्रेजेंट कप्तान है और जो जो उनकी टीम जैसा खेल रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है और मैं सोचता हूँ कि उन्होंने धोनी ने अपना एडवांटेज उनको दे दिया, तो मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूँगा। सर देखिए आरसीबी तो डेफिनेटली बहुत तगड़ी टीम है दिख रहा है, उसमें दिमाग तो कहता आरसीबी लेकिन अब जर्सी जो है वो मैं भी वही करता हूँ सर, मैं भी वही फील कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये भी है कि मैं एक तमिलियन हूँ तो जो है कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है मेरा जो है सीएसके के लिए है, लेकिन यकीन मानिए कि जो है मैच बहुत जोरदार होने वाला है और बहुत शानदार क्रिकेट की दावत होने वाली है। आरसीबी गिर चुकी है सर। और बात दूसरे मुकाबले की कर लेते हैं, दिल्ली कैपिटल्स का मैच है एसआरएच से सर, हैदराबाद या दिल्ली? नहीं मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स यंग टीम है, इनफॉर्म है, अच्छा खेल रही है, उनके पास बेंच स्ट्रेंथ से 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो आज आके अपनी टीम को और मदद कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि दिल्ली जो है पेपरों पे और टीम फॉर्म के हिसाब से मुझे काफी भारी लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट। सर बिल्कुल सर ने सही कहा, बिल्कुल दिल्ली जो है काफी मजबूत दिख रही है, सनराइजर हैदराबाद के साथ दिक्कत यह है कि सिर्फ 22 रन बना रहे हैं, केन विलियमसन अभी आए हैं लेकिन वो भी मैच को जो है लंबा ले जाने की जो है काबिलियत रखते हैं, और जब जब भी जो है मिडिल ऑर्डर हैदराबाद का टेस्ट हुआ है तो अभी तक फेल हुए हैं, तो हर इंडिविजुअल के ऊपर ये दबाव तो होगा कि जो है मुझे जो है परफॉर्म करना है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये है कि T20 में जो है किसी भी दिन जो है कोई एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है मैच का काया पलट देता है, तो उम्मीद करें कि शाम का मैच भी अच्छा होगा। मैच तो अच्छा होगा लेकिन इंतजार इस मैच का सभी को था क्योंकि इस सीजन में पहली बार धोनी और विराट की टीम आमने सामने होगी, तो अब इंतजार की घड़ियां भी लगभग समाप्त हो चुकी है, अब से कुछ ही देर में मैच शुरू होगा और बल्लेबाजी पर मैदान में उतरेगी सीएसके की टीम, तो निगाहें रहेगी ओपनर बल्लेबाजों पर ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस पर, तो देखना खास होगा कि आखिर आज का सिरमौर कौन होगा। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, कल मुलाकात होते हैं, पहले उससे पहले सुखदेव सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब कल मुलाकात होगी, कल पंजाब का मुकाबला है केकेआर से, क्या पंजाब पिछली मुकाबले की तरह इस मैच में भी जीत दर्ज करेगी ये देखना वाला होगा, और क्या केकेआर अपने हार का टोटका दूर कर पाएगी इस पर भी हम सभी की निगाहें रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, कल फिर मुलाकात होती है, अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहनिए, फिर मुलाकात होती है, डीजीएनआर न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Powered by Tijuana Fresh, Crazy Cricket.